नमस्कार दोस्तों, प्लांट्स एंड प्लैनेट पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, सर्दियां जोरों पर हैं अभी, पूरे भारत में अच्छी ठंड पड़ रही है और स्पेशली नॉर्थ में टेम्परेचर बहुत ही डाउन है, 2 to 3 degree टेम्परेचर चला जा रहा है और ऐसे में प्लांट्स को बचाना एक बड़ी चुनौती है। जहां पर जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं वो तो सेफ हैं, लेकिन सीजनल प्लांट्स बहुत बुरी कंडीशन में हैं इस वक्त, क्योंकि कोहरे की मार से उनके जो फ्लावरिंग है वो कम हो गई है, स्टेम्स गल जा रहे हैं, रूट्स खराब हो रही हैं। तो ऐसे में क्या करें, तो कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में, जिसकी मदद से हम अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को भी बहुत आसानी से बचा सकते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद उसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। और गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो गाइस, पहला जो उपाय है कोहरे या धुंध से बचाने के लिए प्लांट्स को, वो ये कि हम ग्रीन नेट का सहारा ले सकते हैं। ग्रीन नेट में पौधों को रखने से दो फायदे होते हैं। डायरेक्ट कोहरे की चपेट में प्लांट्स नहीं आ पाते हैं, और दूसरा ये कि दिन के समय जब धूप निकलती है, चाहे भले ही कम धूप निकले, लेकिन उसके अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जो पौधों के लिए सफिशिएंट रहता है, पौधों की ग्रोथ के लिए और उन्हें ठंड से बचने के लिए। तो ये एक तरीका हम अपना सकते हैं। और गाइस, जो दूसरा तरीका मैं अपनाती हूँ अपने प्लांट्स के लिए, वो ये कि मैं सहारा लेती हूँ इस प्लास्टिक शीट का, ये ट्रांसपेरेंट शीट है, और मैं रात के समय इसे अपने प्लांट्स पर ढक देती हूँ, जिसकी वजह से जो रात में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और कोहरे की मार से रात के समय में स्टेम्स गल जाती हैं, उससे मैं बचाने के लिए अपने प्लांट्स को इस ट्रांसपेरेंट शीट का सहारा लेती हूँ। सुबह आप इसे हटा सकते हैं और सुबह के समय में फिर धूप में आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तीसरा तरीका जो हम अपना सकते हैं वो ये कि डायरेक्ट फ्लावर्स पर पानी नहीं करना है, हमेशा पानी नीचे मिट्टी में ही डालना है। इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि सर्दी के समय में अगर पानी फूलों पर गिरेगा तो उससे भी बहुत जल्दी फूल खराब हो जाते हैं। और गाइस, चौथा उपाय हम अपने प्लांट्स के साथ मल्चिंग करके कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह के सूखे पत्ते आपको लेने हैं और इन सूखे पत्तों से मिट्टी को कवर करना है, कुछ इस तरह से। इससे भी नीचे मिट्टी में ठंड का असर कम होगा और रूट्स खराब नहीं होंगे। तो गाइस, इन छोटे छोटे टिप्स को अपना करके हम रख सकते हैं अपने प्लांट्स का ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।